नमस्कार दोस्तों, मानसिक तनाव को कम करना। हस्तमैथुन के दौरान आपका मस्तिष्क एक ही दिशा में सोचता है और इसी वजह से आप रिलैक्स अनुभव करते हैं। जब भी हम किसी भी रूप में सेक्स के बारे में सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन नामक रसायन छोड़ता है जो हमें खुशी का अनुभव दिलाता है। यानी जब जब आप सेक्स के बारे में सोचते हैं आपका मन इसके प्रति सक्रिय हो जाता है और आपको एक अलग खुशी सी महसूस होती है। ठीक ऐसे ही जब आप सेक्स या हस्तमैथुन करते हैं तो मस्तिष्क एंडोर्फिन नामक रसायन छोड़ता है जो हमें तनाव मुक्त करने में कारगर होता है। अगर आप तनाव में हैं तो हस्तमैथुन आपके तनाव को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो अपने तनाव को कम करने के लिए हमेशा हस्तमैथुन का सहारा लेना सही नहीं है। ऐसा करने से आपको इसकी लत लग सकती है और ये आपके शरीर में दूसरी एबनॉर्मलिटी को जन्म दे सकता है। अच्छी नींद का आना। जहाँ एंडोर्फिन रसायन आपको मानसिक तनाव से निजात दिलाता है, वहीं ये ब्लड प्रेशर को कम करके आपके शरीर को शिथिलता प्रदान करता है जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आती है। आपने या तो जान लिया कि हस्तमैथुन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, चलिए अब इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं। जहां हस्तमैथुन आपके शरीर के लिए लाभकारी हो सकता है, वहीं अगर हस्तमैथुन नियमित रूप से किया जाए तो यह आपके शरीर का दुश्मन भी बन सकता है। यदि आपको हस्तमैथुन करने की लत लग गई है और आप रोजाना हस्तमैथुन करके अपनी कामुक इच्छाओं को शांत करते हैं तो यह हैबिट या आदत, या फिर आप इसे नशे की श्रेणी में भी रख सकते हैं जो आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अधिक डिटेल में न जाते हुए हस्तमैथुन की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं उन्हें एक क्रम में बताते हैं। जैसे यौन संवेदनशीलता में कमी होना, लिंग या योनि में सूजन, लिंग का टेढ़ा होना, खुद के प्रति ग्लानि होना, शरीर का कमजोर होना, दैनिक जीवन में खलल पड़ना, पाचन संबंधी शिकायत होना, रोग होने का भ्रम होना, शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना, आंखों की दृष्टि का कमजोर होना, प्रजनन क्षमता में कमी आना, लिंग के तनाव में अनियमितता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना इत्यादि। एक चिकित्सक की हैसियत से मैंने अपना एक नैतिक दायित्व समझते हुए हस्तमैथुन या मास्टरबेशन के लाभ और हानि दोनों ही पक्षों को आपके सामने रखा है। यदि कंपैरेटिवली देखा जाए तो हस्तमैथुन का हमारे शरीर में शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हस्तमैथुन की वजह से हमारे शरीर में आने वाली विभिन्न प्रकार की कमियों एवं इसकी लत से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ होम्योपैथिक औषधियाँ शेयर कर रहा हूँ। ये औषधियाँ हस्तमैथुन से हुई क्षतिपूर्ति एवं लत को छुड़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। स्टेफिसाइग्रिया, एसिड फॉस, जिंकम सल्फ्यूरिकम, कंथेरिस इत्यादि। इन औषधियों की पोटेंसी यानी शक्ति एवं डोज मरीज को कितनी और कितने बार देनी चाहिए यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की उम्र एवं उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता एवं उनकी संवेदनशीलता का स्तर क्या है। इसकी जानकारी आपको एक होम्योपैथ चिकित्सक ही दे सकता है। होम्योपैथी औषधियों का हमारे शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, परंतु यदि बिना सोचे समझे औषधियाँ ली जाएंगी जिनकी पोटेंसी एवं डोज का आपको कोई भी ज्ञान नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में औषधियाँ आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। अतः सर्वथा उचित यही होगा कि किसी होम्योपैथ चिकित्सक की सलाह पर ही बताई गई औषधियों का इस्तेमाल किया जाए। होम्योपैथी औषधियों से न सिर्फ आपके शरीर में हुई क्षति की पूर्ति ही होगी वरन आपकी लत में भी सुधार
आ जाएगा। आपसे निवेदन है कि कृपया बिना किसी संकोच के लाइक डिसलाइक एवं कमेंट करिएगा, और यदि मुझसे कुछ और सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।